नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये तेरी गाली ये मेरी गाली। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में आजकल गालियों की बयार बह रही है। क्या गालियों के सहारे पार्टियां सोच रही हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेंगी? सवाल यही है कि गाली के विरोध में जो सड़क पर उतरे उन्होंने भी गालियों का ही सहारा लिया। हमारे साथ कई खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। आप समझ गए होंगे मायावती और दयाशंकर सिंह के इर्द गिर्द की ये पूरी जंग अब कहां पर पहुंच गई है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं, दयाशंकर सिंह की पत्नी का कहना है कि बीएसपी के कार्यकर्ता जिस तरह से बदजुबानी कर रहे थे, उनकी बेटी को धमका रहे थे, उसकी वजह से उनकी जान को खतरा है। बीजेपी से निकाले गए दयाशंकर सिंह ने मायावती को गाली दी। बीएसपी के नेता और कार्यकर्ता हिसाब बराबर करने में लगे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गालियों का फ्री स्टॉल मुकाबला हो रहा है, फ्री स्टाइल मुकाबला उत्तर प्रदेश में। हमले का ये बीएसपी अंदाज है जिसमें गाली के बदले गाली दी जा रही है। यूपी के नए सियासी अध्याय में तहजीब की सारी दीवारें लांघी जा रही हैं, नहले पे दहला फेंका जा रहा है और अब तो ये मुकाबला कानून की चौखट तक जा पहुंचा है। बीजेपी से निकाले गए नेता दयाशंकर सिंह की मां, बहन और पत्नी लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंची और बीएसपी के हमलों से सुरक्षा की फरियाद की। शिकायत में मायावती का नाम, कई लोगों का नाम है, अभी मैं शायद सबका नाम मुझे ऐसे एकदम से मैं नहीं आ पाएंगे। मायावती हैं और नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, मैं इन लोगों के खिलाफ मैं FIR करूंगा। मायावती पर हमला सियासी था, हमले का जवाब भी सियासी था, लेकिन अब एक परिवार का सवाल खड़ा हो गया है जहां छोटे छोटे दो बच्चे दलीय राजनीति की आग का शिकार हो रहे हैं। एक माँ पूछ रही है आखिर उनके बच्चों का क्या कसूर। ये सवाल मायावती जी से कोई नहीं कर रहा है कि आपने ये जो स्टेटमेंट दिया किसी की बेटी बहन माँ के लिए, आपके लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया कि पेश करो उसकी बेटी को, उसकी बीबी को, ये सवाल उनसे कोई नहीं कर रहा है। क्या मैं महिला नहीं हूँ? क्या मेरे घर की औरतें, मेरी बूढ़ी सास महिला नहीं है? क्या मेरी बेटी, मतलब वो एक लड़की नहीं है? क्या उसकी इज्जत, मेरी इज्जत, कोई इज्जत नहीं है? बदजुबानी दयाशंकर ने की थी लेकिन इसकी कीमत परिवार वालों को चुकानी पड़ रही है। लेकिन मायावती अपने कार्यकर्ताओं की अभद्रता की आलोचना करने की बजाय आवरण बनकर उनका बचाव कर रही हैं। वो लड़की कहती कि मेरे बाप ने गलत किया है, इससे हम लोग सहमत नहीं है। उसकी औरत कहती कि मेरे आदमी ने गलत किया, इससे हम सहमत नहीं है। उसकी माँ कहती कि मेरे बेटे ने ये गलत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, इससे हम सहमत नहीं है। मेरे ख्याल यदि उसी दिन तो दयाशंकर की माँ, उसकी औरत, बेटी, तो दयाशंकर के बयान के खिलाफ वो मीडिया में कुछ भी बोल देती तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं नहीं कह रही, वहाँ पे जो मुझे लोगों ने बताया कि लोगों में जो गुस्सा व्याप्त था तो शायद वो लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। बहरहाल दयाशंकर सिंह के परिवार वालों ने मायावती के खिलाफ थाने में केस दर्ज करा दिया है। अब कानून अपना काम करेगा, लेकिन यूपी के सियासतदानों की बिरादरी गाली के विसात पर वोट की खेती करने से बाज आएगी, इसकी कतई उम्मीद नहीं। लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दे। संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्वाति सिंह कुछ ही देर में जुड़ेंगी, जो दरअसल दयाशंकर सिंह की पत्नी है। हमारे साथ चंद्रभान प्रसाद साहब दल चिंतक जुड़ गए हैं, नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से होंगे और भदौरिया साहब होंगे बीएसपी से। चर्चा की शुरुआत करते हैं। संबित पात्रा जी, सबसे पहले तो आपसे जान लें कि दयाशंकर सिंह की पत्नी तो आज खुलकर सामने आ रही हैं, आना भी चाहिए, वो डरी हुई हैं, वो बता रही हैं कि किस तरह का डर है, गाली के बदले गाली। लेकिन दयाशंकर सिंह कहाँ गायब हो गए हैं? आपका पूर्व उत्तर प्रदेश का बीजेपी का उपाध्यक्ष गायब है, कानून का सामना करने को तैयार नहीं है। देखिए अंजना जी, दयाशंकर ने जो गाली दी थी वो इतनी भद्दी थी और इतनी खराब थी कि तुरंत संज्ञान में ये पूरा विषय लिया गया। और कोई नहीं, खुद अरुण जेटली जी खड़े होकर उन्होंने मायावती जी से माफी भी मांगी, खेद भी जताया
और तुरंत कुछ घंटों के अंदर ही दयाशंकर को पार्टी से निकालना और उसको पदमुक्त कर देना, ये हमने किया है। कानून में FIR भी दर्ज हुआ है, पुलिस ने कहा है कि 36 घंटे के अंदर दयाशंकर को वो प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट के सामने। हमारा दयाशंकर से अब कोई लेना देना नहीं है, वो पार्टी में कभी थे अब नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर प्रश्न अब पुलिस से और समाजवादी पार्टी से पूछना होगा कि वो क्यों नहीं दर्द बोझ पा रहे हैं, क्योंकि कानून स्टेट का विषय है। ये सिद्दीकी साहब से पूछना बहुत जरूरी है कि आखिर वो क्यों नहीं अरेस्ट कर पा रहे ऐसे नेता को। लेकिन चंद्रभान जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो स्वाति सिंह का कहना है कि गाली के विरोध में आप सड़क पर उतरे, आपने भी वही बदजुबानी कर दी, डर रही हैं वो, ये कौन सी नई लड़ाई है जिसमें दलित अस्मिता की लड़ाई के लिए सामने आए और फिर वो भी उसी तरह की गाली गलौज का इस्तेमाल करे, कौन सही दिखता है? देखिए, दलित समाज जो हजारों सालों से अपर कास्ट की गाली लात जूते खाता रहा है, तो इसको भी उसी तरह से गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि गाली देने का हक तो अपर कास्ट के साथ है, अपर कास्ट के पास है। मैंने अपने बचपन में देखा है कि ठाकुर लोग दलित बस्ती में जाते थे तो गाली ही उनके मुँह से निकलती थी। तो ये काम दलितों को नहीं करना चाहिए, जो ठाकुर लोगों का काम है। और नहीं, आपका कटाक्ष में समझ रही हूँ, महिला हो, आपका कटाक्ष में समझ रही हूँ, एक सेकंड चंद्रभान जी, आपका कटाक्ष में समझ रही हूँ जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप इसको अलग तरीके से भी अगर देखें तो क्या कटाक्ष मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं देखिए मैं सुबह, अंजना जी, मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ। मायावती और दयाशंकर के पत्नी के बीच, ये दो महिलाओं के बीच झगड़ा, इसको मत समझिए अंजना जी, और लोग न समझें, हजार साल में एक मायावती पैदा होती है। जिस तरह से दलित महिलाओं को ट्रीट किया गया है, मैंने अपने बचपन में देखा है, उस दलित समाज से मायावती जैसा व्यक्तित्व 1000 साल में पैदा होता है, और दलित समाज की मायावती आइकन है, हर दलित के दिल की धड़कन है, और उसी आइकन को अगर दयाशंकर अटैक करते हैं और उनकी पत्नी बोलती है इसमें मेरा क्या दोष, अरे कल दयाशंकर मंत्री बनते तो उनके बंगले में उनकी पत्नी जाती कि नहीं जाती? मतलब आपका कहना है कि मायावती ने जो सदन में खड़े होकर कहा, रिस्पेक्ट करता है, तो आपका कहना है चंद्रभान जी तो आपका कहना है कि मायावती जी ने जो सदन में खड़े होकर कहा कि ये गाली उन्होंने मुझे नहीं, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी पत्नी को दी है, उनका कहना सही था? नहीं, जो मैं, अगर मैं उनकी बात को ठीक से समझ पाऊं, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने इस तरह की गाली किसी भी महिला को दिया है, क्योंकि किसी महिला को जो सबसे गंदी गाली, अपमानजनक गाली हो सकती है, उसका इस्तेमाल दयाशंकर जी ने किया है। और मैं नहीं समझता कि उसी तरह की गाली BSP के वर्कर्स ने दयाशंकर के परिवार को दी है। पर जो भी है, मैं ये कह रहा हूँ, आप इसको कटाक्ष मत समझिए, कि दलित समाज जो सफर किया है, जिसने बेइज्जती झेली हजारों साल से, उसको उसी तरह की चीज वहां पर नहीं करनी चाहिए। और यह समय है कि मायावती जी दयाशंकर को माफ कर दें। दयाशंकर ने माफी मांगा है, BJP ने माफी मांगा है, अंबेडकर के फॉलोअर होने की वजह से जो दलितों में दिल है, उसकी जो जरूरत है कि दयाशंकर जी बोलने, फिर मैं बोल लेता हूँ, ठीक है? उनका कहना है कि उनको माफ कर देना चाहिए। सुदेंद्र जी जुड़ गए हैं इस पे, लेकिन उससे पहले संबित जी, आप अपनी बात कहें। देखिए, चंद्रभान जी का मैं बड़ा आदर करता हूँ, वो बहुत विषयों पे बड़ा अध्ययन करके आते हैं, मगर हम सबको एक बात समझनी होगी, चाहे सुदेंद्र भदौरिया हो, चाहे संबित पात्रा या आप हो, या फिर चंद्रभान जी हो, हम लोग साधारण यहाँ प्रवक्ता बन के लाखों लोग हमें देख रहे हैं। एक एक सेंटेंस हमारा, एक एक वर्ड हमारा मीनिंगफुल होता है। अगर हम इसको ठाकुर वर्सेज दलित, कि इतने हजारों वर्ष तक दलितों ने गाली सहा है तो अब गाली देने की बारी है, देखिए हम लोगों को हजार बार सोच लेना चाहिए कि अब घर जलेंगे, अब पूरे देश में आग लग जाएगा, ऐसे ये जनरलाइज स्टेटमेंट हम लोगों को नहीं कहा। आपने जो शुरू में कटाक्ष किया ना,
जो आपने कटाक्ष किया वो कटाक्ष भी हमने समझा है। देखिए हम लोग सब गरीब परिवार से आए हैं, इंक्लूडिंग मैं, हम लोग बहुत पिछड़े और गरीब लोग हैं, इसलिए हम लोगों को आज जब पद मिला है बैठ के अपने शब्दों को देश को सुनाने के लिए, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ तौल तौल कर एक एक शब्द को रखना चाहिए। हमारे और आपके एक एक शब्द से न जाने कितने घर उजड़ सकते हैं। आप बताइए, अभी आपने कहा कि दयाशंकर की पत्नी भी तो उस बंगलों में जाती जिस बंगलों में अगर दयाशंकर मंत्री बनता, मतलब पति के पापों के लिए पत्नी को भी प्रायश्चित करना पड़ता है, यही आपने कहा। मैं दयाशंकर की बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, आप और मैं कुछ गड़बड़ करें, हमारी पत्नियां क्यों भुगते, क्यों हमारी पत्नियों को फांसी पे लटकाया जाए? याकूब मेमन की पत्नी को फांसी पे लटका दिया गया क्या? अफजल गुरु की पत्नी को फांसी पे लटका दिया गया क्या? नहीं लटकाया गया। चंद्रभान जी जवाब दीजिए, बहुत सोच समझ कर, पत्नियों को कभी भी, पत्नियों और बच्चियों को मत खींचिए इस लड़ाई में, इस वोट की लड़ाई में महिलाओं को खींच कर उनको आगे मत खड़ा करिए, प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है। चंद्रभान जी, तो इसका मतलब ये है, अगर संविद जी की बात को मैं मान लूं तो मायावती के पास कोई भाई नहीं है, मायावती के पास कोई बहन नहीं है, मायावती को जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनका कोई मतलब नहीं है, जब मायावती को एक खास पेशे जैसी बताया गया तो मायावती के फादर को तकलीफ नहीं हुई होगी, मायावती के मदर को तकलीफ नहीं हुई होगी, तकलीफ हुई होगी तभी तो निकाल दिया ना पार्टी से, को तकलीफ नहीं होगी क्योंकि दलित लोग हैं जो गाली खाते रहे, तभी तो पार्टी से निकाल दिया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं नहीं चंद्रभान जी, तकलीफ हुई होगी तभी तो कुछ घंटों के अंदर मिनटों के अंदर पार्टी से निकाल दिया गया, परिवार की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए चंद्रभान जी, पत्नियों के ऊपर लड़ाई ठीक नहीं, जेटली जी के जेस्चर का स्वागत किया है। नहीं देखिए चंद्रभान जी, हाथ जोड़ के मायावती जी को बुरा लगा, हम लोगों ने हाथ जोड़ के माफी मांगी और कहा कि ये पार्टी का विषय नहीं था, एक व्यक्ति ने कहा उसको निकाल दिया, मगर ये पत्नी और बच्चों की लड़ाई मत बनाइए इसे, ये अच्छी बात। देखिए मैं कहा ना, आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, ये कहना कि पति ने कुछ गड़बड़ी की है तो चौराहे पे पत्नी को लाके पीटो, बच्ची को लाके पीटो, ये शब्द बहुत बहुत कष्टदायक है। आप करोड़ों लोग आपको अपना आइकॉन मानते हैं चंद्रभान जी, आप भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बात को आप अपने आपको भी करोड़ों लोग मानते हैं। नहीं आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए आप। मैं जो आपकी पार्टी के जेस्चर को मैंने अप्रिशिएट किया है पब्लिकली, कल भी आज भी कर रहा हूँ कि अरुण जेटली ने हाथ जोड़ के माफी कर दिया तो माफ कर दीजिए। ठीक है स्वाति जी, हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ी है स्वाति जी, चूंकि पूरी चर्चा, हालांकि हमने सोचा था बड़ी तस्वीर पे भी बात करेंगे, स्वाति जी पूरी चर्चा आपके इर्द गिर्द पहुंच गई है। आपने कहा है कि आप बहुत डरी हुई हैं, आपकी बेटी डरी हुई है, क्या डर है आपको? बिल्कुल, मुझे सिक्योरिटी का मतलब इतना ज्यादा मुझे डर लग रहा है, कल तो मैं इतनी ज्यादा डरी हुई थी, मैंने किस तरीके से अपने बच्चों को स्कूल से घर तक बुलवाया ये मैं ही जानती हूँ, क्योंकि डर के मारे मैं नहीं निकल रही थी, और कल से मैं अपने घर में ही थी, मेरे बच्चे घर में थे, और शायद आज सुबह जब मुझे निकलना था तो मेरी 10:30 बजे मैंने सोचा था मैं निकलूंगी, मेरी बेटी ने बोला मम्मा घर के बाहर मत जाना नहीं तो लोग मार देंगे, आपको कुछ हो जाएगा, पापा के लोग बोल रहे हैं पापा का टंग काट के लाएंगे, जुबान काट के लाएंगे, अगर पापा को भी कुछ कर देंगे लोग, हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, सबके लिए बोल रहे हैं। 11 साल की बेटी है आपकी? 11 साल की बेटी है? 12 साल की। 12 साल की है। स्वाति जी, ये कहना है चंद्रभान जी का कि ऐसा तो नहीं है कि आपके परिवार, आपकी बेटी, आपकी माँ है और मायावती की नहीं थी, क्योंकि जिस तरह का अपशब्द दयाशंकर सिंह ने उनके लिए इस्तेमाल किया उसकी वजह से लोगों में इतना गुस्सा है, जो आप आज झेल रही हैं, जो आज आप झेल रही हैं, मैं क्यों झेल रही हूं, वही मायावती ने सामना किया, मैं क्यों झेलूं, क्या मैंने पॉलिटिक्स में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है? दयाशंकर जी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, उन्होंने जो बोला मायावती जी के लिए वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, इन लोगों की आपस की लड़ाई थी, क्या दयाशंकर सिंह ने किसी के परिवार को घसीटा था? अगर नहीं तो मुझे क्यों घसीटा गया, मेरी सास, मेरी बेटी, मेरी नंद को क्यों घसीटा गया? चंद्रभान जी, क्या मैं पॉलिटिकल आइडेंटिटी हूँ, या मेरी बेटी 12 साल की बच्ची आइडेंटिटी है पॉलिटिकल आइडेंटिटी, या मेरी सास है 80 साल की? बोलिए चंद्रभान जी। ये जो स्वाति जी जो कह रही है उनकी तकलीफ से मुझे भी हमदर्दी है, उनकी तकलीफ से मुझे भी हमदर्दी है, लेकिन स्वाति जी जो कह रही हैं उनको क्या ऐसी ही फीलिंग आई जब मायावती जी को इतना गंदा अपशब्द कहा उनके हस्बैंड ने,
तो क्या उनके मायावती के भाइयों पर दया आई, क्या मायावती के फादर और मदर के पर दया आई कि क्यों इस महिला को इस तरह से हमारा पति पेश कर रहा समाज में? कभी ये आया तकलीफ हुई क्या मैडम स्वाति जी को? मैं एक बात बीच में चंद्रभान जी को काट करके मैं एक बात ये बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं वो ये मैसेज दे रहे हैं कि क्योंकि ये इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर का जो फेवर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि थप्पड़ का जवाब थप्पड़, और अब एक आम आदमी भी थप्पड़ मारेगा अगर कोई बड़ा हाई प्रोफाइल आदमी किसी आम आदमी को थप्पड़ मारे तो वो भी पलट के हाई प्रोफाइल को थप्पड़ मार दे और बाद में ये बोल दे कि गुस्से में बोल दिए और गाली का बदला गाली से थप्पड़ का बदला थप्पड़ से। ये लोग इन्हीं चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये हमारे देश के नेता हैं, यही चीजें बोले ताकि कल के बच्चे भी यही चीजें सीखेंगे। वैसे बहुत अच्छी चीज तो आप दयाशंकर सिंह ने भी इस देश के बच्चों को नहीं सिखाई है स्वाति जी, लेकिन 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 परिवार तक डर और खौफ पहुंचाया जाए इसकी इजाजत सुधींद्र भदौरिया साहब किसी को नहीं है। सुधींद्र भदौरिया साहब, मैं चाहती हूं, मैं नहीं चाहती हूं कि आप किसी इमोशनल लड़ाई में यहां पर जूझें, लेकिन आपका जवाब बीएसपी के प्रवक्ता के रूप में, एक सेकंड सर, बीएसपी के प्रवक्ता के रूप में इसको आप इस तरह से लें कि मैं आपसे नैतिकता से जुड़ा एक सवाल करती हूं। सुधींद्र जी आप अपनी तरफ से जवाब दे दें, और अगर आपको इस बहस का हिस्सा नहीं बनना है, बहस हो रही थी, आपको इस बहस का हिस्सा नहीं बनना है स्वाति जी के साथ तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल नैतिकता पर है। मेरा सवाल यह है कि गाली के विरोध में सर बीएसपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और वो भी वही गाली करने लगे, तो गाली से अब जीतने की लड़ाई है क्या? ये बताया गया था कि ये बहस भारतीय नहीं, मैं अब आपको भी बतला दूं, आपका चैनल बहुत बड़ा है, आप लोग बड़े ताकतवर लोग हैं, हम जानते हैं, हम अपनी सीमाओं को हम पहचानते हैं अंजना जी, हम लोगों के साथ 2500 वर्ष से सौतेला व्यवहार हुआ है, ये कोई नई चीज नहीं हो रही है। मान्यवर काशीराम ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, उनको स्कूल में नहीं जाने दिया गया, और इसी रामलीला मैदान के अंदर यही हिंदू महासभा के लोगों ने, भगवा झंडा के लोगों ने उनका पुतला जलाया था, जिसके प्रतिनिधि के तौर पर, जिस पार्टी और सोच के प्रतिनिधि के तौर पर आज 1980 में बनी, 2500 साल से बीजेपी थोड़ी कर रही थी। क्या बोल रहे हैं? काशीराम ने हमें सिखाया और तमाम तरह की बातें कही। देखिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, इसमें 12 साल की स्वाति सिंह का क्या योगदान है? हम 2500 वर्ष इसमें 12 साल की स्वाति सिंह की बेटी का क्या योगदान है? गालियां सुनते रहे सुधींद्र जी, गांव-गांव में गालियां, बीजेपी थोड़ी थी 2500 साल पहले। पूरे देखिए, ये जो सोच है इनका, बीजेपी तो अभी आई 1980 में, ये सब है ताड़न के अधिकारी, ये सोच की प्रतिनिधि पार्टी है बीजेपी। हम तो लोग उस भी तो सोच के नहीं है, जिस सोच की पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी। ये सारी बातें ना करिए, यहाँ एक माँ एक बेटी और एक, अब आइए अब उसका भी सुन लीजिए, हमने अगर बोला मायावती जी ने नहीं, सुन लीजिए, आपको आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है? मुझे इतिहास का ज्ञान नहीं करना है, मुझे अभी का ये ज्ञान बताइए कि जो एक औरत के साथ एक बच्ची के साथ हो रहा है उसमें आप लोगों ने क्या किया और क्यों नहीं? आप मायावती से सवाल करिए और आप अपने पार्टी के कार्यकर्ता और हर एक नेता से सवाल करिए। मुझे मैं यहाँ पर इतिहास जानने के लिए नहीं बैठी हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। जो मायावती जी ने और जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने, जो बीएसपी के और कार्यकर्ता और नेताओं ने, जो बड़े पोजीशन पे जो नेता हैं बीएसपी के, उन लोगों ने जो चीजें की, जो बिना बाप के मुझे मेरे और मेरे परिवार को, मेरी छोटी सी एक माइनर बेटी को घसीटा गया, पूरा समय रहेंगी और आप रखना चाहते हैं अवश्य रखिए, आपका अधिकार है। ये कि किसको स्कूल दे? सुधींद्र जी, क्या बीएसपी जैसी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, आप ही एक सामने आते हैं बात करने को, सुधींद्र जी क्या इस महिला को उसके सवाल का जवाब नहीं मिलना चाहिए? चैनल पर अभी बुलाया गया और आपके चैनल के गौरव जी ने मुझसे कहा कि इसमें आपकी और भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों की बहस है। ठीक है, आप राजनीतिक बहस का ही हिस्सा बनना चाहते हैं, ये भी हमारे दर्शक समझ जाएं। इस समय एक वैचारिक, ठीक है, वैचारिक, सिर्फ वैचारिक हिस्से पर ही मैं आपसे इसीलिए सवाल कर रही हूँ सर। मेरा सिर्फ ये कहना है, आपने
दशकों से दलितों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न का जिक्र किया, लेकिन उसमें 12 साल की स्वाति सिंह की बेटी का क्या योगदान है यह समझा दीजिए कि वो बच्ची डर जाए, स्कूल ना जाए, या फिर यह सोचे कि उसके पिता के साथ क्या होने वाला है। समझना आपको पड़ेगा, संवेदनशील सिर्फ एक पक्ष कभी नहीं हो सकता है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आइए आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, क्योंकि सुन नहीं पाए होंगे आप, जब बीएसपी के ये कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे तो क्या बदजुबानी हो रही थी, सुनिए। बवाल दरअसल मायावती के किस बयान पर था जो उन्होंने देश की संसद में दिया था, ये वो भी आपको सुना दें। तेरी गाली मेरी गाली, सवाल यही है कि गाली के विरोध में सड़क पर उतरकर क्या विरोध प्रदर्शन में ही गाली ही सुनने को मिलेंगे। आइए पहले आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इसी पर दयाशंकर सिंह की पत्नी ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है कि मेरी 12 वर्षीय बच्ची डरी हुई है, जिस तरह से बीएसपी के कार्यकर्ता उन्हें डरा रहे हैं। लेकिन मायावती ने भी इस पर सटीक जवाब दिया है, देखिए। तो कुछ इस अंदाज में आज ये जंग छिड़ी है, एक तरफ दयाशंकर सिंह की पत्नी, बेटी, मां, एक तरफ मायावती, और उसके साथ ये पूरी लड़ाई आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चूंकि 6:30 के इस हिस्से में हम ज्यादातर आपके सवालों से बहस की शुरुआत करते हैं, आज इस विषय से जुड़े हुए एक से बढ़ के एक सवाल आ रहे हैं, और इसी में जो सवाल अब मैं ले रही हूं ये आनंद सागर का सवाल है, जो अपने सवाल में ये कहते हैं कि देवी के भक्त एक 12 वर्षीय बच्ची को सड़क पर बेइज्जत करने की मांग रख के देवी का वैभव बढ़ा रहे हैं क्या? क्योंकि याद रखिए, देवी का वैभव, देवी शब्द खुद मायावती ने अपने लिए इस्तेमाल किया था, और इसीलिए चूंकि अब सुधींद्र भदौरिया साहब हमारे साथ इस बहस में शामिल नहीं होना चाहते, क्योंकि वो दयाशंकर सिंह की पत्नी का जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए मैं चंद्रभान जी आपके पास ये सवाल लिए चलती हूं कि क्या देवी का वैभव इससे बढ़ रहा है? देखिए, जो जो मूल प्रश्न जो मैं ये रखना चाहता हूं स्वाति जी के सामने, कि ये जो स्थिति उनके सामने आज खड़ी हुई है, उसमें क्या उनके हस्बैंड का कोई योगदान है कि नहीं? अपने हस्बैंड से एकदम वो ये नहीं कह सकती कि मेरा कोई रिश्ता ही नहीं। अगर कल उनके हस्बैंड मंत्री बनते लखनऊ में तो उनके बंगले में वो जाती कि नहीं? और तीसरी बात, बीजेपी में हजारों नेता हैं, मायावती जी ने दयाशंकर को ही क्यों टारगेट किया? तो ये बात स्वाति जी को बताना होगा ना कि उनके हस्बैंड जो आज उनकी स्थिति है उसमें। स्वाति जी जवाब दीजिए, फिर संबित भी बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पर। जी, चंद्रभान जी को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो वो बोल रहे हैं कि उनके हस्बैंड क्या हस्बैंड की वजह से आज वो यहाँ पर है, मैं उन्हें ये बोलना चाहती हूँ कि जो कानून नाम की चीज बनी है हमारे देश में सजा देती है, और जैसे मायावती जी ने जो अभी स्टेटमेंट दिया कि मेरे कार्यकर्ता उसको सबक सिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, तो इसका मतलब मायावती जी के हिसाब से कानून की जरूरत ही नहीं है हमारे देश में। सभी लोग आपस में ही एक दूसरे को सजा दे करके और सबक सिखा करके सारा हिसाब किताब वो खुद ही कर लेंगे। और चंद्रभान जी जो आप बोल रहे हैं, यहाँ एक बेटी की बात करिए, पता नहीं क्यों आप लोग हमेशा जब भी कोई बात मैं उठा रही हूँ तो आप लोग दयाशंकर सिंह जी की बात ले आ रहे हैं, उनकी बात मैं कर ही नहीं रही हूँ। आप ये बताइए कि क्या ये चीजें शोभा देती है? मायावती जी ने बोला कि अगर पार्टी आजीवन उनको 6 साल से लेके उनको निकाला गया, आजीवन निकाल देती तो मुझे बहुत खुशी होती। आज मैं मायावती जी से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, क्या वो सतीश मिश्रा को और पार्टी के अपने और पदाधिकारियों को, और जो लोग गाली दे रहे थे खुलेआम, और मायावती क्या खुद पार्टी से निकल जाएंगी जो संसद में जैसी बातें बोल रही थी? आजीवन निकल जाए, छोड़ दें, बहन है ना, उन्हें कोई वो ये स्वार्थ रखना ही नहीं चाहिए, पार्टी और सबका छोड़ दें, वो भी आजीवन छोड़ दें, और अपने पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, संबित पात्रा जी बोलना चाह रहे हैं, जितने भी लोग पदाधिकारी हैं सबको निकाल दें। और मायावती जी ने जो बोला कि अगर पार्टी आगे आकर के
उनको उनके ऊपर अगर FIR करती तो मुझे खुशी मिलती। क्या मायावती जी को ये नहीं लगता है कि जिस तरीके से चंद्रभान जी डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। जिस तरीके से जेटली इतने बड़े नेता होकर के संसद में सबके सामने पूरा देश देख रहा था मायावती जी से माफी मांगे, तो क्या मायावती जी को ये नहीं बनता है कि वो भी खड़े होकर के जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने किया उसके लिए वो भी संसद में खड़े होकर के सबसे माफी मांगे? दयाशंकर सिंह वैसे छुपे क्यों फिर रहे? कुछ बातचीत हुई क्या स्वाति जी? मेरी कोई बात नहीं हुई है और मैं कल से यही चीज बोल रही हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनसे बात हो जाए ताकि मेरे बच्चों के लिए एक ये सेटिस्फेक्शन हो कि उनके पापा ठीक हैं और मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट होगा। और ये कितनी गंदी बात है कि मीडिया पे अब बसपा के लोग ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को यूज कर रही हूँ, जबकि मेरा कोई भी आज तक का कोई पॉलिटिकल रिकॉर्ड नहीं रहा है, मेरी बेटी का नहीं रहा है। ठीक है चंद्रभान जी, संपत जी आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन एक सवाल चंद्रभान जी से पूछने से मैं रोक नहीं पा रही हूँ। चंद्रभान जी, ये बड़ा डबल स्टैंडर्ड है कि माया और उनकी अस्मिता की तो फिक्र हम सब करें मिलकर, हम सब पूछें कि इतना बड़ा अपशब्द कैसे बोल दिया, लेकिन आज जब वही अपशब्द इस महिला और उसकी बच्ची और उनकी मां के लिए बोला गया तब वही अंदर का जो हमारा अंतर्मन है तब वो नहीं झकझोर पाता कोई। तो क्या चंद्रभान को ऐसा नहीं लगता है अंदर में कहीं पर कि इस महिला को भी, इसकी बेटी को भी, इसकी मां को भी ये नहीं सुनना चाहिए था अपने लिए? नहीं, मैं बिल्कुल, मैं पहले ही कहा कि ये BSP के लोग वो काम न करें जो दयाशंकर जी ने किया है जी। पर मेरे सवाल के जवाब स्वाति जी नहीं दे रही है कि दयाशंकर जी कानून कहाँ फेस कर रहे हैं और दयाशंकर जब बंगले में आते लखनऊ में तो वो बंगले में आती कि नहीं? तो दयाशंकर जो पाप करेंगे उसका बिल्कुल साबितदार होना पड़ेगा। मैं तो पता नहीं है लेकिन जिस तरीके से मायावती जी ने जो प्रोटेस्ट किया कि मेरे कार्यकर्ता गुस्से में बोल दिए तो उनके कार्यकर्ता गुस्से में मार देंगे दयाशंकर सिंह को, तो उस दिन क्या होगा? मायावती बोले या कोई भी सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार या भारत सरकार ये गारंटी ले कि दयाशंकर सिंह को और दयाशंकर सिंह के परिवार को पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। दयाशंकर सिंह को मैं अगर मेरी बात होगी तो मीडिया से बोल रही हूँ कि वो आके सरेंडर कर दे, लेकिन पहले सरकार उनके प्रोटेक्शन की गारंटी ले। ठीक है संबित जी, देखिए आज ये जो डिबेट आज हो रहा है हम कम लोग हैं, मगर मैं अंजना जी मैं आपको बताता हूँ ये एक बहुत बड़ा डिबेट है और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दरबार में एक महिला खड़ी है, हम पुरुष यहाँ पर एक पैट्रियार्कल सोसाइटी के पुरुष एक महिला को सुरक्षा देने से चूक रहे हैं। कृष्ण बनना आसान नहीं है, कृष्ण भी बैकवर्ड थे, यादव कम्युनिटी के थे, किस प्रकार से कृष्ण खड़े हुए। आज मैं अपील करता हूँ कि पुरुषों को सोचना चाहिए कि यहाँ एक महिला चिल्लाना पड़ रहा है उसको और हम उनको बोल रहे हैं कि आप बंगलों में जाते कि नहीं, मंत्री बन जाते आपके पति तो। अरे पति और पत्नी ठीक है, वो पति पत्नी है, अगर इसी पे एहसास दिलाने के लिए कि आपके पति ने आपके बच्चे ने कुछ खराब काम किया है, अगर कोई मर्डर कर देता है किसी का बेटा जाके तो हम उसके परिवार में मर्डर कर दे एहसास दिलाने के लिए कि दूसरे परिवार में क्या एहसास हो रहा होगा? मैं आपके परिवार में एक व्यक्ति को मर्डर कर दूंगा क्योंकि आप भी तो मां थी उसकी जिसने मर्डर किया, तो मैं आपका मर्डर करके दिखाऊंगा, चलिए आप भुगतिए। ये छोटी बात नहीं है चंद्रभान जी, आप भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, समझिए आप क्या कह रहे हैं। हम यहाँ पे दलित ठाकुर महिलाओं को बांट दे रहे हैं, महिला महिला है, महिला ना दलित है, महिला ना ठाकुर है, महिला ना OBC है, महिला ना पंडित है, और धिक्कार है। अरे धिक्कार है पुरुषों के ऊपर जो महिलाओं को बांट के यहाँ राजनीति कर रहे हैं। ये महिला कोई ठाकुर महिला है, ये सिर्फ एक महिला है। आप उनकी आबरू के बारे में, उस बच्ची के आबरू के बारे में सोचिए, वो किसी पार्टी से हो वो नहीं हो। अगर जो लोग महिला की आबरू के बारे में नहीं सोच सकते हैं, देखिए देवी के हृदय बहुत बड़ा होता है, देवी के हृदय में सबसे पहला जो गुण होता है वो क्षमा होता है। और देवी, मैं अपील करता हूं मायावती जी से, मायावती जी आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस देश की राजनीति में। अरुण जेटली जी ने खड़े होकर माफी मांगी थी, वो बड़प्पन आपको भी दिखाना चाहिए, आप कोई छोटी व्यक्ति नहीं है, आपने एक इतिहास रचा है, आपने अनुसूचित जाति आपने जनजाति इस राजनीति में इतिहास रचा है, और इतिहास वही रचते हैं याद रखिए जिनके पास क्षमा नामक चीज होती है। चलिए ठीक है यहीं से एक ब्रेक। यकेश हमारे एक दर्शक का ये सवाल है कि स्वाति जी आप इसे नया मोड़ दे रही हैं, आपने अपने पति के खिलाफ स्टैंड क्यों नहीं लिया? स्वाति जी एक लाइन में जवाब, क्या स्वाति सिंह आज ये कहेंगी कि जो दयाशंकर सिंह ने कहा मायावती के लिए वो शर्मनाक था? स्वाति जी क्या जो दयाशंकर सिंह ने मायावती के लिए कहा वो शर्मनाक था, ये स्टैंड आप लेंगी? देखिए दयाशंकर जी ने जो बोला
सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि मैं यहाँ दयाशंकर जी की लड़ाई लड़ने नहीं आई हूँ। मैं अपने और अपनी बेटी और जो मेरे घर की औरतों के लिए जो चीजें नहीं लिया आपने, स्वाति जी आपने नहीं स्टैंड लिया, आपने स्टैंड नहीं लिया, ये बातें तो हम सुबह से सुन रहे हैं। सवाल यही है कि क्या ईमानदार स्टैंड है।